मॉर्निंग स्टूडेंट्स, तो अपना चैप्टर चल रहा है लैंड सॉइल वाटर नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ के बारे में। अभी अपन ने यहाँ पे मैनेजमेंट एंड कंजर्वेशन ऑफ वाटर रिसोर्सेज तक पढ़ लिया है। अभी अपन पढ़ने वाले हैं नेचुरल वेजिटेशन एज अ रिसोर्स। वी सी वेरियस टाइप ऑफ प्लांट्स एंड वेजिटेशन ग्रोइंग नेचुरली ऑल अराउंड। हम लोग क्या करते हैं, हमारे इधर आसपास देखते हैं तो हमें अनेकों प्रकार के पेड़ पौधे उगे हुए और अपने आप बढ़ते हुए दिखाई देते हैं। वी सी देम इन द फॉर्म ऑफ फॉरेस्ट। और हम इन पेड़ पौधों को, इस वेजिटेशन को किस तरीके से देखते हैं, इनको अपन एज अ फॉरेस्ट देखते हैं, ग्रासलैंड देखते हैं, झाड़ियों के रूप में देखते हैं और वेरियस टाइप ऑफ हर्ब्स एंड ट्रीज और अनेकों प्रकार की जो दवाइयाँ हैं, औषधियाँ हैं या पेड़ पौधों के रूप में देखते हैं। यानी कि हमारा जो नजरिया है पेड़ पौधों का अलग अलग होता है। दे नॉट ओनली प्रोवाइड अस विद टिम्बर। तो ये पेड़ पौधे जो होते हैं वो हमें सिर्फ लकड़ियाँ ही प्रोवाइड नहीं करते हैं बट ऑल्सो न्यूमरस यूजफुल प्रोडक्ट्स एज वेल एज एस्थेटिक ब्यूटी। ये हमको लकड़ियाँ ही प्रोवाइड नहीं करते हैं, लकड़ियों के अतिरिक्त भी पेड़ पौधे हमें अनेकों यूजफुल प्रोडक्ट प्रोवाइड करते हैं, साथ ही साथ हमें सौंदर्य प्रसाधन भी उपयोग में लेने के लिए प्रदान करते हैं। प्लांट्स एंड ट्रीज प्रोड्यूस ऑक्सीजन दैट वी नीड टू ब्रीथ। प्लांट्स और ट्रीज जो होते हैं वो क्या करते हैं, ऑक्सीजन का भी प्रोडक्शन करते हैं जिसका उपयोग हम सांस लेने के रूप में करते हैं। दे ऑल्सो प्रोटेक्ट द सॉइल। साथ ही साथ पेड़ पौधे क्या करते हैं, सॉइल को भी प्रोटेक्ट करते हैं, बचाते हैं एंड एक्ट एज शेल्टर बेड। और साथ ही साथ एक शेल्टर बेड की तरह एक्ट करते हैं, हेल्प इन स्टोरिंग ग्राउंड वाटर। और साथ ही साथ जो ग्राउंड वाटर है उसको स्टोर करने में भी मदद करते हैं एंड प्रोवाइड एसेंशियल प्रोडक्ट फॉर आवर एवरीडे नीड। और साथ ही साथ हमें हमारी दिनचर्या की जो आवश्यक वस्तुएं हैं उनको भी अपन को उपयोग के लिए प्रदान करते हैं। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नेचुरल वेजिटेशन। यहाँ पर पढ़ेंगे अभी कि जो नेचुरल वेजिटेशन है उसको किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट कर रखा है अलग अलग पार्ट्स के अंदर। द ग्रोथ ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ वेजिटेशन मेनली डिपेंड्स ऑन मॉइस्चर एंड टेम्परेचर। अब जो अलग अलग टाइप की वेजिटेशन है, पेड़ पौधे हैं, वनस्पति हैं, इसकी जो ग्रोथ होती है वो मेनली डिपेंड करती है मॉइस्चर पे और टेम्परेचर पे कि किसी जगह विशेष पे मॉइस्चर कैसा है और वहाँ पे टेम्परेचर कैसा है। डिपेंडिंग ऑन द अबव टू फैक्टर्स द फोर टाइप ऑफ वेजिटेशन आर। अब अगर हम बात करें मॉइस्चर और टेम्परेचर पे डिपेंड करने वाली वेजिटेशन की तो निम्न प्रकार की होती है। ये पहला होता है फॉरेस्ट। फॉरेस्ट में एरिया रिसीविंग वेरी हैवी रेनफॉल एंड हैज वेरियस टाइप ऑफ ट्रीज। तो यानी कि ऐसे एरिया जहाँ पे बहुत ज़्यादा वर्षा होती हो और साथ ही साथ यहाँ पे बहुत अलग अलग टाइप के बहुत सारे पेड़ पौधे हमें मिलते हों, उसे अपन किस टाइप का वेजिटेशन बोलते हैं, उसे अपन बोलते हैं फॉरेस्ट। अगला है ग्रासलैंड। तो ग्रासलैंड कौन से होते हैं, एरियाज विच रिसीव मॉडरेट रेनफॉल। तो ऐसे एरिया जहाँ पे मॉडरेट रेनफॉल होती है, ना अधिक होती है ना कम होती है, उस एरिया को अपन बोलते हैं ग्रासलैंड। अगला है स्क्रब्स, यानी झाड़ियों टाइप का होता है वो। एरिया विच रिसीव लो रेनफॉल हैविंग थॉर्नी स्क्रब्स, यानी कि वो सभी एरिया जहाँ पे वर्षा बहुत कम होती है और साथ ही साथ यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे थॉर्नी स्क्रब्स होती है, यानी कि यहाँ पे झाड़ियाँ होती हैं। अगली है टुंड्रा। स्पेयर वेजिटेशन इन कोल्ड पोलर रीजन मेनली कंसिस्टिंग ऑफ मॉसेस एंड लाइकेंस। यानी कि टुंड्रा जो वेजिटेशन है वो कहाँ मिलेगी अपन को, ये मिलेगी अपन को पोलर रीजन के अंदर जहाँ पे वेजिटेशन बहुत कम होती है और होती भी है तो मेनली किससे मिलकर बनी होती है, मॉसेस से मिलकर के और लाइकेंस से मिलकर के, यानी कि मॉसेस लाइकेंस जो है टाइप ऑफ वेजिटेशन है। अगला है टाइप ऑफ फॉरेस्ट। Depending on when the tree shed their leaves, forest can be classified as evergreen and deciduous. अगर अपन बात करें कि पेड़ पौधे जो होते हैं वो कब अपनी पत्तियों को स्वयं तोड़ देते हैं, झड़ा देते हैं, तो यदि इस बेसिस पे अगर अपन बात करते हैं तो जो फॉरेस्ट है उसको अपन दो भागों में डिवाइड कर सकते हैं। कौन कौन से, पहला है एवरग्रीन और दूसरा है deciduous। तो अपन अभी पढ़ने वाले दोनों के बारे में सेपरेटली। तो पहला है अपना एवरग्रीन फॉरेस्ट की एवरग्रीन फॉरेस्ट क्या होता है, किस तरीके से यहाँ पत्तियाँ जो है लीव करते हैं कि नहीं करते हैं, वो सब पढ़ने वाले। दे डू नॉट शेड देयर लीव साइमल्टेनियसली इन एनी सीजन ड्यूरिंग द ईयर हेंस दे रिमेन ग्रीन एज द ट्री हैव लीव्स ऑन देम थ्रू आउट द ईयर। तो एवरग्रीन जो फॉरेस्ट है उनकी सबसे पहली
बात यही है कि ये जो यहाँ पे जो पेड़ पौधे होते हैं वो कभी भी किसी भी सीजन में अपनी पत्तियों को नहीं छोड़ते हैं या उसको हटाते नहीं है। और इस वजह से क्या होता है कि जो पेड़ पौधे हैं वो साल भर तक ग्रीनरी बनाए रखते हैं। सेकेंड दे ऑलवेज हैव द ग्रीन कवर ऑफ लीव थ्रू आउट द ईयर, कि पूरे वर्ष भर इनमें क्या होता है ग्रीन कवर होता है। दे आर नॉट डिवाइड ऑफ लीव्स एट एनी टाइम ऑफ द ईयर, और इस वजह से क्या होता है पूरे वर्ष के अंदर इनमें कोई भी ऐसा टाइम नहीं आता है कि यहाँ पे पत्तियों की पेड़ पौधों पर कमी हो। यानी कि इन शॉर्ट बात करें तो एवरग्रीन फॉरेस्ट के अंदर पेड़ पौधों पर हमेशा पत्तियां मिलेंगी, पेड़ पौधे पत्तियों को कभी भी झड़ाते नहीं है। दे आर फाउंड इन एरियाज व्हिच रिसीव मोर देन 200 सेंटीमीटर ऑफ रेनफॉल डेली। तो अब एवरग्रीन फॉरेस्ट है वो मिलते कहाँ पे हैं, वो ऐसी जगह पर मिलते हैं जहाँ पे साल भर के अंदर जो वर्षा होती है वो 200 सेंटीमीटर से भी ज़्यादा होती है। यानी कि कुल मिला के क्या होता है एवरग्रीन जो फॉरेस्ट है वो वर्षा पे डिपेंड करते हैं। एवरग्रीन फॉरेस्ट आर मेनली फाउंड इन इक्वेटोरियल रीजन सेंट्रल अमेरिका अलॉन्ग ऑरिनोको अमेजन रिवर एंड द कॉन्गो बेसिन ऑफ अफ्रीका। इन इंडिया दे आर मेनली फाउंड इन नॉर्थ ईस्टर्न हिमालय एंड द वेस्टर्न घाट। अब अगर हम बात करें कंट्रीज की या प्लेसेस की, तो जो हमको मिलते हैं एवरग्रीन फॉरेस्ट वो कहाँ मिलते हैं, जो हमारा रीजन है कौन सा इक्वेटोरियल के आसपास वाला वहाँ मिलते हैं, सेंट्रल अमेरिका में मिलते हैं। इसके अलावा ओरिनोको और अमेजॉन दो रिवर्स हैं इनके आसपास भी हमको एवरग्रीन फॉरेस्ट मिलते हैं। अफ्रीका में जो कॉन्गो बेसिन है वहाँ पर भी मिलते हैं। इंडिया की बात करें तो इंडिया में सिर्फ और सिर्फ नॉर्थ ईस्टर्न हिमालय हैं वहाँ पर हमको ऐसे फॉरेस्ट देखने को मिलते हैं। अगला है ट्रीज, कि यहाँ पे ट्री किस टाइप के होते हैं एवरग्रीन फॉरेस्ट के अंदर। यहाँ ट्री होते हैं पाइन के, केदार के, लार्च के, इस तरीके से यहाँ पे पेड़ पौधे मिलते हैं। तो ये क्या है एग्जांपल है, याद रखने चाहिए हमें। अगला है अपना डेसीडस फॉरेस्ट, एवरग्रीन पढ़ लिया हमने, अगला है डेसीडस फॉरेस्ट। द ट्री शेड ऑल देयर ट्री लीव्स इन अ पर्टिकुलर सीजन ऑफ द ईयर टू कंजर्व द लॉस ऑफ वाटर ड्यू टू द ट्रांसपिरेशन। यानी कि डेसीडस फॉरेस्ट में क्या होता है, जो पेड़ पौधे होते हैं वो क्या करते हैं अपनी सारी पत्तियों को झड़ा देते हैं एक पर्टिकुलर सीजन के अंदर। और वो ऐसा क्यों कर रहे हैं, वो ऐसा इसलिए कर रहे हैं ताकि वर्षा की जब कमी होती है, पानी की कमी होती है, तो उस समय पेड़ पौधों से पानी की कमी ना हो जाए ट्रांसपिरेशन के द्वारा। यानी कि पेड़ों में जो पानी अवेलेबल है वह ट्रांसपिरेशन के थ्रू बाहर ना निकल जाए, इस वजह से ये करते हैं अपनी पत्तियों को झड़ा देते हैं। दे लुक बैरेन विदाउट द लीव्स इन सम पर्टिकुलर मंथ ऑफ द ईयर एंड ग्रीन सम मंथ। तो इस तरीके से जब पत्तियां होती हैं तब हमको ये पेड़ पौधे लगते हैं एकदम ग्रीन, और जब पत्तियां झड़ा देते हैं तो ये हमको एकदम उजाड़ टाइप के लगते हैं, बैरेन लगते हैं। दे आर फाउंड इन एरियाज रिसीव बिटवीन 75 to 150 सेंटीमीटर ऑफ रेनफॉल द ईयर। यानी कि ये कहाँ मिलते हैं हमको, उन एरिया मिलेंगे जहाँ पे 75 to 150 सेंटीमीटर बारिश एनुअली होती है। डेसीडस फॉरेस्ट आर ऑफ टू टाइप डिपेंडिंग मेनली ऑन देयर लोकेशन एंड डिफरेंट लैटिट्यूड। अब जो डेसीडस फॉरेस्ट है ये हमको दो अलग अलग लोकेशन पे मिलते हैं, क्यों, लैटिट्यूड के कारण। यानी क्या है अपन ने पढ़ा था मैप में, बीच में अपना होता है मैप में हम देखा था कि हमारा जो इक्वेटर है वो अर्थ को दो भागों में डिवाइड करता है, तो जो डिग्री अपनी नॉर्थन हेमिस्फीयर में आएगी वही डिग्री अपनी सदर्न में भी आएंगी। तो इस वजह से क्या होता है डेसीडस फॉरेस्ट हमको दोनों जगह मिलता है देखने को। तो यहाँ पे पहला होता है ट्रॉपिकल फॉरेस्ट फाउंड इन चिले साउथ अफ्रीका एंड साउथ ऑस्ट्रेलिया। तो जो डेसीडस फॉरेस्ट है उसके अंदर जो ट्रॉपिकल फॉरेस्ट है वो हमको कहाँ कहाँ मिल रहा है, साउथ अमेरिका में चिले में मिल रहा है, साउथ अफ्रीका के अंदर हमको मिल रहा है, साउथ ऑस्ट्रेलिया के अंदर मिल रहा है हमको। यानी कि ये तीन कंट्री में मिल रहा है हमको। अगर बात करें टेम्परेट फॉरेस्ट की, फाउंड इन नॉर्थ सेंट्रल यूरोप, ईस्टर्न एशिया एंड ईस्टर्न यूनाइटेड स्टेट्स। यानी इन तीन जगहों पे हमें टेम्परेट फॉरेस्ट मिलते हैं। ये एग्जांपल याद रखने कि ट्रॉपिकल फॉरेस्ट हमको किस किस देश में मिल रहे हैं और टेम्परेट हमको कहाँ कहाँ मिल रहे हैं। यदि बात की जाए पेड़ों की तो यहाँ पेड़ कौन कौन से मिलते हैं, मेपल का, ओक का और विलो का। यानी ये तीन टाइप के हमको यहाँ पे पेड़ देखने को मिलते हैं। तो आज के लिए इतना ही, बाकी पढ़ते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।